ये पैसे देकर बुलाई गई भीड़ नहीं है, ये दारू पिलाकर चिकन खिलाकर जबरदस्ती ट्रकों में भर भर कर लाए गए लोग नहीं है, ये सब अपने आप आए हैं और इनके दिलों में विश्वास है ये अच्छा आदमी है, ये अच्छा नेता है, ये हमारा भविष्य सुधारेगा। धर धर के मामी और धर धर के नारी हमने के माय के समान लगता तो हमें तो धनबाद स्वागत है हमारे इस न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग बहुत ही मतलब अलग ही टाइप का होने वाला है, क्रांतिकारी वाला होने वाला है। तो अभी जा रहे हैं हम लोग बलियापुर हवाई पट्टी, तो वहाँ पर एक मीटिंग रखा हुआ है जयराम महतो के थ्रू, तो वहीं पर जा रहे हैं। बहुत ही भव्य तरीके से मतलब मीटिंग होने वाला है, तो दिखाते हैं मीटिंग। चल बने रहे ब्लॉग पर, कंटिन्यू रहिएगा। देखिए ये लाल घर गमछा ले लिए हैं और अभी सभी भाई लोग बाइक लोग हैं यहीं पर, और अभी हम लोग का डीजे आ रहा है, कुटकी से निकलने वाला है डीजे, हम लोग उसी के साथ ऐड होके अभी सिंदरी होके जाने वाले हैं। तो चलिए बने रहे ब्लॉग पे, कंटिन्यू रहिएगा। चलिए वहाँ मिलते हैं आप, और डीजे भी फुल एक्सप्लोर करने वाले हैं, फुल दिखाने वाले हैं आपको और कैसा बजता है। KBKSS के बैनर तले एक मीटिंग रखा हुआ है, वहीं पर जा रहे हैं अभी हम लोग सब। और देखिए यहाँ भाई है, अभी भी फाइनली हम लोग का डीजे आ चुका है। रैली देख रहे हैं पीछे की कितना का भीड़ है, बहुत ही बाजा बहुत हैप्पी है। चलिए दिखाते हैं आपको बैक कैमरा से, बने रहे ब्लॉग में, कंटिन्यू रहिएगा। साथी उदास मौसम के लिए हम लड़ेंगे, साथी हम पर हो रहे शोषण के लिए हम लड़ेंगे, प्रकृति को सजाने के लिए हम लड़ेंगे, प्रकृति को सजाने के लिए हम लड़ेंगे, भाषा संस्कृति को बचाने के लिए हम लड़ेंगे, बिना गूंज के सत्ता हिलता ही नहीं हम लड़ेंगे, कि बिना गूंज के सत्ता हिलता ही नहीं हम लड़ेंगे, कि बिना लड़े अधिकार मिलता ही नहीं अधिकार मिलता ही। मिलाते हैं आप डीजे से।
देखिए इतना सारा मतलब बाइक है आप थोड़ा यहाँ से वहाँ तक एकदम बाइक है। जनसभा में कोई भी मतलब पुलिस फोर्स नहीं है, इसमें मतलब सब अपने मतलब अपने ध्यान पूर्वक ही रहते हैं रहेंगे और सब मतलब इसी तरह ही बोला गया है कि अच्छे से रहे और ना कोई पुलिस प्रशासन नहीं है, तो देखते हैं फिर से क्या होता है हमारे ब्लॉक का कंटिन्यू होगा। तो फाइनली आप लोग भीड़ तो देख ही सकते हैं कि भीड़ कितनी है और अंदर से काफ़ी ज़्यादा है भीड़, चलिए वो भी दिखाते हैं आप सभी को। आप लोग को इस विकट परिस्थिति में झारखंडी भाषा खाद्यान्न संघर्ष समिति का गठन क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जितने भी राजनीतिक पार्टी आज आई चाहे जितने भी जो भी पार्टी आई, मैं आजसू से विरोध करता था, मैं 1987 में आजसू का बागडोर संभाला और आज झारखंड अलग राज हुआ और आज जो झारखंड के इतिहास को भूगोल को पलट देने का क्षमता रखती है। इस बात का सबूत है कि झारखंडी अपने हक अधिकार के लिए तैयार है, 2024 के लिए तैयार है। इतिहास गवाह है जब जब धरती पर अन्याय बढ़ा है। तो ये तो कुछ दोस्त क्लिप हम लिए थे उसी का मतलब ये पैसे देकर बुलाई गई भीड़ नहीं है, ये दारू पिलाकर चिकन खिलाकर जबरदस्ती ट्रकों में भर भर कर लाए गए लोग नहीं है, ये सब अपने आप आए हैं और इनके दिलों में विश्वास है। ये अच्छा आदमी है, ये अच्छा नेता है, ये हमारा भविष्य सुधारेगा, ये अच्छी सरकार बनाएगा। पेश था तो धनबाद। सही में इतना गाड़ी, बाप रे बाप, यहाँ का भीड़ देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा भीड़ हुआ है। यह बाइक से मतलब गाड़ियों से अंदाजा लगा सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ हुआ है। आपको आज का ब्लॉग यहीं पे अंत करते हुए, अभी भीड़ मतलब है ही और हम लोग चल रहे हैं घर अब, तो देखते हैं क्या होता है आगे। तो ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज का ब्लॉग यहीं पे अंत होता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो लास्ट तक देखने के लिए।